जिले के खेलसू ब्लॉक के अंतर्गत लगने वाले ऐतिहासिक बुंखाल मेले का शुभारंभ सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को कई सौगातें भी दी। आयोजित मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ स्वास्थ्य शिविर को लेकर अन्य स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। प्रसिद्ध कालिका देवी मंदिर में लगने वाले बुंखाल मेले में पहले पशु बलि की प्रथा थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद से यहाँ पशु बलि प्रथा समाप्त कर दी गई। आयोजित मेले में आसपास के गांव के हजारों ग्रामीण पहुंचे। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि यहां कंडार सीव क्षेत्र के लिए पेयजल योजना की स्वीकृति की गई है। जल्द ही क्षेत्र के प्रत्येक घर में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। कहा कि टोरी बंगला से पंडुंठी तक पेयजल के बड़े बड़े टैंक बनाए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। भगवती का प्रांगण में हूँ, माँ भगवती की तरफ से माँ की कृपा से सभी क्षेत्रवासियों को माँ का आशीर्वाद बने रहे। और जहाँ तक रही विकास के बारे में बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने इस क्षेत्र के विकास में हर साल जो हमारे माँ भगवती का जो कार्यक्रम होता है, हर साल उन्होंने यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया है, सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया है। कथा से ये हमारी जो लोक मान्यता है, देवी भगवती जगदम्बा का ये सिद्धपीठ है और यहाँ पर आने पर बहुत अच्छा लगता है। और अच्छी बात ये कि यहाँ पर बलि प्रथा अब नहीं है, वो और अच्छी बात है। और एक नया सांस्कृतिक स्वरूप इस मेले का देखने के लिए मिलता है, जो हम सबको गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये हर साल की तरह हमारा जो बुंखाल कालिका का यहाँ पर मेला होता है, बड़े शांति से यहाँ पर होता है और हजारों लोग इस मेले में यहाँ पे बहुत भंडारा भी चलता है। इस बार अपनी तक भगवान जी भी यहाँ पे आए हैं, जागर सम्राट हमारे और हमारे पूरे इलाके का ये कुलदेवी है, जिसमें कुलदेवी की जो है हर साल हम लोग पूजा भी करते हैं और भव्य यहाँ पे आयोजन किया जाता है और रास्ते भी बहुत अच्छे हो गए यहाँ पे।